हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों को कैसे समझाएं। तो सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लेते हैं और कैसे समझाएंगे बच्चों को। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है वो, तो द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वॉज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ठीक है, जो पास्ट में जो हो रहा था, ठीक है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जो पास्ट में स्पेसिफिक टाइम में जो हो रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। जैसे हम वाज वर का यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है, बच्चों को कैसे बताएंगे कि वाज और वर का यूज़ कहाँ करना है हमें। तो जैसे देखिए, ये है सिंगुलर नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन में आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया। तो ये हमें बच्चों को समझाना होगा कि आई, ही, सी और इट, और इसके साथ हम लगाते हैं वाज, वाज प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। ओके, ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर वाच स्लिपिंग, ठीक है, तो वाच प्लस स्लिप हो गया वर्ब और आई एन जी लग गया, तो वाच स्लिपिंग, ये हो गया। और अब ये हो गया प्लूरल नाउन, यू, वी और दे, तो इसके साथ हम लगाएंगे वर, ओके, डब्ल्यू ई आर ई। इसको बहुत सारे लोग वेयर भी पढ़ते हैं, लेकिन वेयर गलत प्रोनाउंसिएशन है, डब्ल्यू ई आर ई वर, वर पढ़ते हैं। तो वर्ब प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, ये हो गया प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इसका जैसे सेंटेंस जब तैयार करेंगे हम लोग, कैसे बच्चों को समझाएं, क्या वर्कशीट तैयार करके दें कि बच्चे अच्छे से वाज और वर्ब का यूज़ करना सीख सकें, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम वर्कशीट तैयार करें। तो जैसे देखिए, इसमें है टिक द राइट आंसर। हमें बच्चों को क्या करना होगा, इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ऐसे सेंटेंसेस बना के देने होंगे जिससे वो आराम से टिक लगा सके और वो समझ सके कि कहाँ वाज का यूज़ होगा और कहाँ वर्ब का यूज़ होगा। तो जैसे सम पीपल डैश इन द सी, तो यहाँ वाज स्विमिंग होगा या फिर वर्ब स्विमिंग होगा, ये बच्चों को कैच करना है कि किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वर्ब लगेगा। तो मैंने पहले ही बताया था सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में, तो वो तो बच्चों को ध्यान में रखना ही है कि आई, ही, सी, इट के साथ वाज का यूज होता है और यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का यूज होता है। सम पीपल है, तो एस ओ एम ई पी ई ओ पी एल ई, सम पीपल वर स्विमिंग इन द सी, क्योंकि यहाँ कुछ जो है पीपल है जो कि एक नहीं है, कुछ हैं, ठीक है, तो यहाँ वर का यूज होगा, वर स्विमिंग। तो बच्चे को यहाँ क्या करना है, टिक लगाना है। बच्चे इस तरह से कैच करेंगे कि कहाँ पर वर का यूज करना है, कहाँ वास का यूज करना है। अब इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, जैसे देखिए, ही डैश द ब्यूटिफुल सनसेट, तो ही वाज वॉचिंग होगा या फिर ही वर वॉचिंग होगा, ठीक है, तो ही के साथ लगता है वाज, तो वाज वाचिंग द ब्यूटीफुल सनसेट, मतलब वो ब्यूटीफुल सनसेट देख रहा था, तो ही के साथ लगेगा वाज वाचिंग। आप ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस जो इजी होते हैं उससे आप स्टार्ट करिए बच्चों को समझाना, वो जिससे वो आराम से पहचान पाए कि कहाँ वाज का यूज होगा, कहाँ वर्ब का यूज होगा, और वाज प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाज है, ये वर्ब है वाच, और आई एन जी लग गया। तो इस तरह से हमें बच्चों को बताना है। उसी तरह ये थर्ड है, सी डैश फुटबॉल, तो सी वाज प्लेइंग या फिर वर प्लेइंग, वो फुटबॉल खेल रही थी, तो सी के साथ लगता है क्या, तो वाज प्लेइंग, तो बच्चे यहाँ पर टिक करेंगे वाज प्लेइंग, वो फुटबॉल खेल रही थी। तो ये हो गया वर्कशीट एक, आप इस तरह से दे सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। अब दूसरा देखिए कैसे है, अच्छा, लेकिन यहाँ क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको ये वर्ब दे देना है इस तरह से, ठीक है। बच्चे इसमें क्या करेंगे, वाज इसको देखते हुए वो वाज का यूज करेंगे और इसको देखते हुए वर्ब का यूज करेंगे। मतलब देखिए यहाँ पर नाम है, तो चेतन डैश ऑन द फोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ टॉक दे दिया गया है,
टॉप आपको लिख देना है, ठीक है, जो भी आपको हिंट दे देना है, जिससे बच्चे पर ज़्यादा प्रेशर एक ही बार नहीं डाल देना है, बच्चे धीरे धीरे करके ही सीखेंगे। हमें इस तरह से वर्कशीट तैयार करना होगा। तो चेतन वाज टॉकिंग, अब चेतन नाम है वो सिंगुलर है तो वाज ही लगेगा, वर्ब नहीं लगेगा क्योंकि एक है, ओके। तो चेतन वाज और वर्ब है प्लस आईएनजी लग जाता है। तो हमें वहाँ यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, वाज टॉक है तो टॉकिंग हो जाएगा। चेतन वाज टॉकिंग ऑन द फोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, चेतन लंबे समय से फोन पर बात कर रहा था। नेक्स्ट है यस्टरडे मैनी पीपल डैश इन द पार्क, तो यस्टरडे मैनी पीपल, अब मैनी पीपल आ गया यानी कि वर लगेगा, वाज नहीं लगेगा क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर बच्चे को क्या बताना है कि वर का यूज होगा, तो वर ये वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा क्योंकि आई एन जी लगता है, तो ये हो गया वॉकिंग। तो यस्टरडे मैनी पीपल वर वॉकिंग इन द पार्क, कल जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो टहल रहे थे पार्क में, ओके। अब नेक्स्ट है दीपक स्लिप, तो दीपक के साथ लगता है वाच, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वाच, क्योंकि दीपक एक है और नाम है सिंगुलर नाउन है इसलिए वाच का यूज होगा। तो दीपक वाज स्लिपिंग, और वाज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी तो लगेगा ही, इसीलिए यहाँ पर बच्चे लगाएंगे आईएनजी स्लिपिंग। अब नेक्स्ट है वी डैश फॉर द टेस्ट, तो वी है प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पर वर का यूज हो जाएगा, वी वर, अब यहाँ स्टडी है तो स्टडिंग हो जाएगा, स्टडिंग फॉर द टेस्ट, हम लोग टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे थे तो वी वर स्टडिंग फॉर द टेस्ट। तो हमें इस तरह से बच्चों को एक ये हिंट दे करके बच्चे जिसे अच्छे से समझ पाए ये चीज हमें बनाना होगा, वर्कशीट इस तरह से तैयार करना होगा, ठीक है। ख्याल हमें ये रखना है कि बच्चे को कुछ इजी इजी ही सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाए जिससे वो अच्छे से समझ पाए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। जब वो दोनों वर्कशीट दे देंगे हम, तो फिर हम इस तरह से भी दे सकते हैं बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स केवल, जैसे माई फ्रेंड एंड आई फुटबॉल ऑल नून, तो अब फुटबॉल है जिससे कि पता चलेगा कि हाँ फुटबॉल खेलना ही होता है, यानी कि माई फ्रेंड एंड आई, मेरा फ्रेंड और मैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोग आ गए हैं इसलिए यहाँ पर वाज का यूज नहीं होगा, दो लोग हैं तो वर का यूज हो जाएगा, तो ये हमें बच्चों को बताना होगा। तो बच्चों को हर तरीके के ऐसे सेंटेंसेस दिए जाने चाहिए जिससे कि उन्हें हर तरीके के सेंटेंसेस से पहचान हो सके कि हाँ कहाँ पर वाज का, क्योंकि बच्चे इस तरह से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि माय फ्रेंड एंड आई है, तो बहुत सारे क्या करेंगे बच्चे कि वाज का यूज करेंगे, लेकिन जब यहाँ वाज का यूज नहीं होगा क्योंकि एक नहीं है, माय फ्रेंड एंड आई है, ओके, तो इसलिए यहाँ पर वर का यूज होगा। तो माय फ्रेंड एंड आई वर प्लेइंग हो जाएगा, वर प्लेइंग फुटबॉल ऑल नून। अब आप ये भी कर सकते हैं कि अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लेइंग लिख दीजिए, ठीक है। बच्चे को क्या करना होगा, केवल वाज और वर का यूज करना होगा, ठीक है। एक स्टेप तो वो अच्छे से समझ जाए तो फिर आप दूसरे तीसरे स्टेप में आप पूरा लिखने को दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बच्चे की कैपेसिटी जितनी है सीखने की उसके हिसाब से आपको वर्कशीट तैयार करना है। अब जैसे ये है यस्टरडे इट, अब यस्टरडे इट हैवली है तो यहाँ पर आप रेनिंग दे सकते हैं क्योंकि बच्चे जल्दी नहीं समझ पाएंगे कि क्या भरना है इसमें, तो आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर इट वाज रेनिंग बच्चे ना भर के आप यहाँ पर रेनिंग दे दीजिए, उसके बाद वो वाज और वर का यूज कर लेंगे। अब जैसे यस्टरडे इट वाज रेनिंग हैवली, कल बहुत जोर से बारिश हो रही थी, तो आप रेनिंग दे दें, वाज और वर का यूज बच्चे कर लेंगे इट को देखते हुए, ठीक है। अब इसी तरह मैनी पीपल डैश फॉर द बस, तो मैनी पीपल है तो यहाँ पर हो जाएगा मैनी पीपल वर वेटिंग, वर डब्ल्यू आई टी आई एन जी वर वेटिंग फॉर द बस, तो बहुत सारे लोग बस का इंतजार कर रहे थे। अब है माई सिस्टर एंड माई ब्रदर डैश एट द बर्थडे पार्टी, तो माई सिस्टर एंड माई ब्रदर वर हो जाएगा, यहाँ पर वाज ना लग करके
क्योंकि दो लोग हो गए माय सिस्टर एंड माय ब्रदर तो वर एंजॉइंग एट द बर्थडे पार्टी। अगेन मैं फिर वही बात कहना चाहूँगी कि आप ये वर्ड लिख दीजिए और बच्चे को केवल ये लिखने को दीजिए, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने पूरा ये जो है वर एंजॉइंग वर वेटिंग ये पूरा ही लिख दिया है, लेकिन आप ऐसा ना करें। जब बच्चे अच्छे से समझ जाएं उसके बाद आप ऐसे दे सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर जैसे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर सेल लिख दिया है ब्रैकेट में, तो अब वो इसके यूज़ कर लेंगे। तो द बोर्ड्स, बोर्ड्स यहाँ पर प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वाज का यूज़ नहीं होगा, वर का यूज़ होगा। तो वर सेलिंग इन द सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था वर्कशीट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, बच्चे को हमें कैसे समझाना है सिखाना है, इससे बच्चे अच्छे से इसे कैच कर लें कि हाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ओके। तो इस तरह से आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं, और भी तरीके हैं सिखाने के, और भी आप कुछ कुछ दे सकते हैं सेंटेंसेस बना करके कि बच्चे अच्छे से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान लें, अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ क्या होता है और कहाँ पर वाज का यूज़ करना है, कहाँ वर्ब का यूज़ करना है, और क्योंकि वाज वर्ब के साथ आईएनजी भी लगता है वर्ब के साथ, तो ये हमें बच्चों को अच्छे से पहचान करवानी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर करके आप प्रेस बेल बटन पे प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती हूँ बच्चों के लिए। ओके फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।